आज हमने रामा श्यामा पेपर मिल बरेली विजिट किया है और देखते हैं कि इनकी लोडिंग किस चीज़ में होती है और कैसा इनका लोडर चल रहा है, ये आपको सारा बताएंगे। लोडर को चला के भी चेक किया गया बुल मशीन के इंजीनियरों द्वारा। ये पेपर मिल में इसी तरह से काम होता है, जितने भी पेपर मिल होते हैं वो बिना बुल मशीन के नहीं चल सकते। ये रामा श्यामा पेपर मिल में डेमो देते हुए नमस्कार। नमस्कार, आपका क्या नाम है? रामदीन ड्राइवर। आपकी कंपनी का क्या नाम है? रामा श्यामा पेपर मिल लिमिटेड। आप ये लोडर कब से चला रहे हैं? हमें हो गई 2 साल। 2 साल, इससे पहले भी लोडर चलाते थे? पहले लोडर चलाया। अच्छा, आपको इस लोडर में और दूसरे जो लोडर आपने चलाए कुछ फर्क है? हाँ, बहुत काफ़ी फर्क है। किस चीज़ में? इसका माया प्रेशर बढ़िया काम करते हैं, माल डबल माल आता है। डबल माल आता है, यानी कि 2 ट्रैक्टर लोडर से की बराबर अकेला काम करता है। अकेला काम करता है। इसका डीजल एवरेज क्या रहता है? डीजल एवरेज लगभग 3-3.5 के आसपास है। 3-3.5 लीटर पर घंटे? पर घंटे। ओके, तो आपको उसमें और इसमें क्या और अंतर लगता है? जो आप अगर कोई मशीन लेनी होगी तो कौन सी मशीन खरीदेंगे, ट्रैक्टर अटैचमेंट या ये? यही स्मार्ट में ही निकालेंगे। स्मार्ट में। रीजन क्या कारण है? रीजन अच्छा काम करती है, बचत अच्छी है इससे। बचत अच्छी है। किस चीज़ में बचत अच्छी है? अपने डीजल में अच्छा है काम करती है, डीजल में भी और माल लगाने में, स्टॉक करने में भी अच्छा काम करती है। ओके, यानी कि अगर दूसरी गाड़ी लेंगे तो आप किसको बोलेंगे, कौन सी मशीन बोलेंगे? बुल मशीन स्मार्ट बोलिए, जिसको लेना भी है। और दूसरे लोगों को कहेंगे कि जिसको भी चाहिए वो बुल स्मार्ट ही निकाले, अगर काम के लिए निकालता अपने पर्सन पहले। इसका सिंगल रेडिएटर से आपको कोई फ़ायदा जी? सिंगल रेडिएटर है इसमें, उससे कोई फ़ायदा? हाँ, फ़ायदा ये अच्छा काम कर रही है, गर्म हो नहीं पड़ती है ज़्यादा, खाली अपनी बचाव के लिए धूल मिट्टी जमती है तभी गर्म पड़ती है, वैसे अपना हवा मार लो साफ हो जाएगी, गर्म नहीं पड़ेगी इससे। थैंक यू। अगर कोई पेपर मिल कोई भी मशीन खरीदता है तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? बोलेंगे ये अच्छा काम करती है, यहाँ पे हम चला रहे हैं, बाबू जी दी है लेके हमें, यहाँ पे डबल काम कर रही है। ओके, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। ओके।